उधम सिंह नगर जनपद में खटीमा के चकरपुर गन्ना सेंटर के पास हाईवे पर बीती देर शाम विशाल शीशम के पेड़ गिरने की वजह से लगभग एक घंटे के लिए हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर झुके शीशम के पेड़ से सड़क पर गुजर रहे ट्रक के ऊपरी हिस्से के टकराने की वजह से पेड़ सड़क पर आ गिरा, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम हो गया। वहीं पेड़ की चपेट में आने से विद्युत लाइन भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि जिस वक्त यह पेड़ हाईवे पर गिरा उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था। ये पहले से ही पेड़ बहुत ज्यादा जानलेवा था। इसकी समय समय पर कई बार वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वन विभाग के कई कर्मचारी यहाँ पर आए और वो अपना सर्वे करके चले गए। उसके बाद अन्य भी कई पेड़ यहाँ पर जानलेवा है, लेकिन वन विभाग केवल सर्वे करके चला जाता है। आज ये दुर्घटना तो होनी थी क्योंकि ये इस पेड़ ने गिरना ही था, लेकिन बहुत गनीमत की बात ये रही कि ये किसी के ऊपर न गिर के आज केवल रोड पर गिरा। हमें सूचना मिली कि चकरपुर जो है चकरपुर रोड पर हाईवे के पास में एक पेड़ जो है शीशम का जो है गिर गया है, और सूचना के अनुसार से तुरंत इसको जो है हमारे द्वारा जो कटवा करके रोड खोल दी गई है और जो है आवागमन सुचारू कर दिया गया है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर खटीमा वन रेंज के रेंजर राजेंद्र मंडराल ने वन विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंच पेड़ को काटकर हाईवे से हटाया और राष्ट्रीय राजमार्ग के यातायात को सुचारू किया। न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड के लिए खटीमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।